ऑप्शन दिया तो ब्लॉग प्रीत बना लिया करेगी, तो ये बोल रहे हैं कि प्रीत ब्लॉग बनाया करेगी कि या नहीं, बताओ। अनीश पे डिपेंड है ना। मेरे पे क्या डिपेंड है, तुम्हें मतलब अपना फोन पकड़ रहा है कैमरा। अनीश मेरा मूड ऑफ करेगा तो मैं नहीं बनाऊंगी इसका। आज ये मेरी फेवरेट सब्जी बना रही है क्योंकि मैंने इसको मना लिया है। ये फ्रंट ग्रिल थी, ये उसमें 2021 के में ऐसी मॉडल आती थी, और अभी क्या हुआ है बाकी सारी गाड़ी मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन जो सिर्फ चेंज है ना वो ये है कि इसमें अभी इस टाइम के मॉडल में एक ग्रिल आ रही है जो कि स्टील में, वैसे स्टील में वो 20 लाख वाले में है। कह रही थी कि देखो जो मम्मी ने वो भी सुन लिया, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी सुन लिए, डिफाइन द फॉलोइंग भी सुन लिया, अब मम्मी कह रही लॉन्ग भी करो, बच्चे की जान निकल जाएगी। बड़े बड़े क्वेश्चन बता दिए प्रीत ने और इसकी बड़ी चालाकी एकदम से लुढ़क गई। हंस रही है ताकि इसको स्कूल का काम याद ना करना पड़े। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है खुशी और पढ़ने लग रही, और मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूं वैसे क्योंकि आज भी थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, पर क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ लिया था, एक का कमेंट आया था कि अबे कैसा व्लॉगर है, ये तो रोज व्लॉग ही नहीं डालता, एक दिन डालता है फिर 3-4 दिन रेस्ट करता है, इससे अच्छा तो ये प्रीत को ही मतलब मेरी वाइफ को ही बोल दे कि वो रोज़ व्लॉग बनाए। तो मैंने सोचा चलो मैं प्रीत को बोल देता हूँ कि हाँ तुमने सही बिल्कुल मुझे क्या कहते हैं ऑप्शन दिया, तो ब्लॉग प्रीत बना लिया करेगी। तो ये बोल रहे हैं कि प्रीत ब्लॉग बनाया करेगी कि या नहीं, बताओ। अनीश पे डिपेंड है ना। मेरे पे क्या डिपेंड है, तुम्हें मतलब अपना फोन पकड़ रहा है कैमरा। अनीश मेरा मूड ऑफ करेगा तो मैं नहीं बनाऊंगी इसका मानना है कि मैं मूड ऑफ रखता हूँ तो इसका फिर कुछ करने का मन नहीं करता। अरे मूड ऑफ भी तो ब्लॉग में बोला जाता है कि अनीश ने मेरा मूड ऑफ कर दिया, उसने मुझे चाप ला के नहीं दी, उसने मोमोज में हरी चटनी नहीं दी, उसने मैगी मसाला ला के नहीं दिया। हाँ मैं तुम्हें बता दिखा देता हूँ, आज ये मेरी फेवरेट सब्जी बना रही है क्योंकि मैंने इसको मना लिया है, और ये आटा और ये सच बताऊँ ये इसमें भी देख लो मैगी मसाला में बोल रहा था, ये कढ़ाई पनीर में भी मैगी मसाला डाल के बना। गणी बोल रहा है गुस्सा मार रहा है, ला नो किया बेटा, चलो मैं सुनता हूँ, चलो अच्छा चलो ठीक है मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो मैं तुम्हें गाड़ी के बारे, वैसे मैं गाड़ी का भी एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और मैं तुम्हें गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो गाड़ी मैं लाया हूँ बेसिकली जब हम बेस मॉडल लेने के लिए जाते हैं, या फिर दो ही मॉडल आ रहे हैं इस टाइम स्कॉर्पियो में, एक क्लासिक S और एक S11। जो S मॉडल है वो ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए का है, जो 11 मॉडल है वो ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए का है। तो मेरी बुद्धि झटकी वेटिंग पीरियड पे, मैंने कहा यार बहन जो सॉरी वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा आया, तो मैंने कहा यार गाड़ी तो चाहिए हमें पहले 4 महीने की, उन्होंने मिनिमम वेटिंग बोली थी बुकिंग करने के बाद, और इस टाइम ऐसा हो रहा था कि मतलब कि यार गाड़ी चाहिए थी क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हम वी आर 4 brothers और कभी किसी को कहीं जाना पड़ जाता है, कभी किसी को कहीं जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ एक गाड़ी की ज़रूरत है, और एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत है जो कि एक फैमिली गाड़ी हो। तो मैंने स्कॉर्पियो का मूड बनाया, स्कॉर्पियो पहले थार का चल रहा था क्योंकि मैं वीडियोज़ के लिए यूज़ करना चाहता था, बट नहीं मैं फिर मैंने सोचा कि वीडियोज़ वगैरह का जो टोरा है वो स्कॉर्पियो में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने स्कॉर्पियो का मन बनाया। फिर मैंने जब मन बनाया तो मुझे पता लगा कि 16 लाख भरने हैं बेस मॉडल के लिए, जिसमें ऊपर से फिर 1.5-2 लाख की मॉडिफिकेशन अलग से लगती है। मॉडिफिकेशन मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि वो सिंपल रिम के साथ आती है, अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं लगे होते हैं, तो मतलब मॉडिफिकेशन के साथ वो ज़रूरी होती है, तो इस वजह से अगर मैं उसको टोटल काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे उसमें जाते 18 लाख रुपये के आसपास जाता है। फिर उसमें मैं 2 लाख रुपये की, क्योंकि अलॉय व्हील्स, चौड़े चौड़े टायर जो उसमें लगे हुए हैं, फिर थोड़ी सी कन्वर्ट करवाना, ऑटोमेटिक सिस्टम करवाना, ये सारा चीज़ में मतलब 18 लाख रुपए की मेरे को पड़ती। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि जो ये मुझे गाड़ी मिली है, ये वैसे मैं बता दूँ आपको 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, मतलब जो 2021 की है ये गाड़ी, जो ये मॉडल था इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है जो कि फ्रंट ग्रिल,
जो सिर्फ आगे की जो वो स्टील वाली ग्रिल होती है ना वो चेंज हुआ है, और इसके अलावा और कोई चीज चेंज नहीं हुई। मैं भी बाहर जाके आपको गाड़ी को दिखाऊंगा, बिल्कुल नई कंडीशन है, अभी थोड़ी सी लाइट वाइट कम होगी वहां पे। तो मुझे ये गाड़ी जो पड़ी है ऑलमोस्ट मेरे को 5 लाख रुपए बचे हैं इसमें। नई गाड़ी, अनयूज्ड कार, बिल्कुल नई गाड़ी विद मॉडिफिकेशन। सी मैं जैसे बताया कि मॉडिफिकेशन के साथ कम से कम 18 लाख रुपए की पड़ती। इसमें 19 इंची टायर डले हुए हैं ब्रांड न्यू, और इसमें अलॉय व्हील्स डले हुए हैं, वो भी ऑफ रोडिंग टायर के साथ हैं, जो ब्लैक अलॉय व्हील्स डले हुए हैं। और कन्वर्ट टू S11, S11 में कन्वर्ट हुई पड़ी है। दूसरा अंदर से भी इसका थोड़ा सा ऑटोमेटिक सिस्टम करवाया गया, बाकी ब्रांड न्यू, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े से मैं आपको गाड़ी के अभी वैसी खड़ी है, बाकी मैं कल के ब्लॉग में दिखा दूंगा, दिखा देता हूँ तुम्हें गाड़ी की कंडीशन। धांसू है, थोड़ी गंदी सी हो रही है, और ये खड़ी अपनी स्कॉर्पियो, और मैं इसकी वैसे तुम्हें कंडीशन दिखाता हूँ, बड़ी सही है, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली है। वैसे मैंने इसको जब से लाया हूँ इसको चलाए जा रहा हूँ, और देखो जो ये फ्रंट ग्रिल थी ये उसमें 2021 के मैं ऐसी मॉडल आती थी, और अभी क्या हुआ है बाकी सारी गाड़ी मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन जो सिर्फ चेंज है ना वो ये है कि इसमें अभी इस टाइम के मॉडल में एक ग्रिल आ रही है जो कि स्टील में, वैसे स्टील में वो 20 लाख वाले में है, और जो जो बेस मॉडल में आ रही है वो भी प्लास्टिक की है, बट वो वैसे लाइनिंग वाली ग्रिल है। बस ये चेंज है पूरी गाड़ी में, बाकी कोई चेंज नहीं है, और ब्रांड न्यू हर तरीके से। देखो सीट पर भी सीट वो पन्नियाँ वगैरह चढ़ी हुई हैं, ये जिम का बैग रखा हुआ है, स्टेयरिंग्स वगैरह। बाकी मैं आपको इसकी सारी वीडियो कल बना के दिखाऊंगा। देखो जो मेरी मम्मी ने वो भी सुन लिया, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी सुन लिए, डिफाइन द फॉलोइंग भी सुन लिया, अब मम्मी कह रही लॉन्ग भी करो, बच्चे की जान निकल जाएगी, शॉर्ट भी कर लिए, वेरी शॉर्ट भी कर लिए, वैसे भी लॉन्ग फाइनल्स में आते हैं। कह तो सही रही है, मतलब बच्चे को इतना बेटा सब याद करना है, सब याद करना है, A to Z याद करना है। बस मेरे को नहीं पता, बस सीधा मैंने बोल दिया। हाँ, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अपनी, हाँ, जो कि पापा ने सुना ऑर्डर करके मंगाया था। ये वैसे कवर ऑर्डर करके मंगाया, बट ये है स्कॉर्पियो की चाबी, और ये खुलती है ऐसे। बड़े बड़े क्वेश्चन बता दिए प्रीत ने, और इसकी बड़ी चालाकी एकदम से लुढ़क गई, हंस रही है ताकि इसको स्कूल का काम याद ना करना पड़े। बेटा खाना खा लो, चलो खाना खा लो, खड़े हो जाओ, चलो। दोस्तों आप इसकी खुशी के देखो, मैं ब्लॉग में नहीं ला रहा था इसको क्योंकि इसके पढ़ाई में बहुत कम मार्क्स आए थे, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा देख लेंगे ना सब पुराना, हाँ वो पुराना ब्लॉग जाके देख लेना, वो रिजल्ट वाले दिन का, इस वजह से नहीं आया था। तो इसको कमेंट में लिख दो कि खुशी पढ़ाकर। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी कमेंट करते रहो जिससे, हाँ यार बेटा खुशी खड़े हो जाओ प्लीज़, चलो खाओ, लो खा लो, अच्छी बेटा भूख लग गई होगी तुम्हें, जल्दी खा लो, नहीं लग रही, मना कर रही है। तो क्या खाया था इसने, अच्छा वो पास्ता खा लिया, फिर उससे पहले मैगी खा ली। चलो दोस्तों खाना खा लेते हैं, टेक केयर।